फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मोना कहती है। तो आज है दो रेसिपी और पहली जो है वो है मेरा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में है आज ओट्स। मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स बच्चों के लिए और सबके लिए ही। तो ये दो कटोरी के करीब ओट्स है, प्लेन सादा जो ओट्स मिलता है वही है। और इसमें अब इधर देखिए, ये हो गई है मेरी कढ़ाई गरम और इसमें डालूंगी ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो भी आप यूज करते हो। तो इसमें गैर 3 चम्मच के करीब वेजिटेबल ऑयल मैंने डाला है छोटे चम्मच से। और अब इसमें जाएगा प्याज, हरी मिर्ची, टमाटो और ये तो आपको पता ही है शिमला मिर्ची, गाजर, ये मैंने बहुत छोटे छोटे से ग्रेट कर लिए हैं। और सबसे पहले अब ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें डालूंगी मैं जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाए उसमें डालें हरी मिर्ची और प्याज। ये मैंने 2 छोटे प्याज कट करके रखे थे डाइसेस में, बस इसको हल्का सा भून लें। प्याज को हमने भून लिया है, जितनी जरूरत थी उतना भून गया है, ज्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे उसका। और इमीडिएटली अब ये जो हमने कट किया हुआ है गाजर और शिमला मिर्ची, इसको डाल देंगे और थोड़ा सा इसे पकाएंगे। थोड़ा इसमें हल्दी और नमक डालेंगे कि ये पक जाए अच्छी तरीके से। तो बहुत ज़रा से मैं इसमें नमक और बहुत ही थोड़ा सा हल्दी, बस हल्का सा फ्लेवर और कलर, ज़्यादा कुछ हल्दी नहीं डालेंगे इसमें। इसे भून देंगे अच्छे से और भून के इसे ढक देंगे कि ये पक जाए। तो अब ये जो हमारा शिमला मिर्च और गाजर है, आई थिंक ये भून भी गया है और पक भी गया है। तो इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर और इसे भी थोड़ा सा पकाएंगे ढक के रखेंगे। तो अब ये टमाटर भी अच्छी तरीके से पक गया है, मैंने इसे हल्का सा मैश भी कर दिया है। और बस इसमें ओट्स डालेंगे, पानी डालेंगे और हमारा मसाला ओट्स तैयार हो जाएगा। और इसमें कटोरी से मेजर करके, जिस कटोरी से मैंने ओट्स लिया था ना, उसी से करीब 4 कटोरी के करीब मुझे लगता है पानी इसमें जाएगा। तो मैं इसमें 4 कटोरी नहीं, 1 और। तो अब इसको पकने देंगे उबाल आने तक। तो जब तक ये उबल रहा है मैं बस भगवान से, समझ जाइए, यही प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग जहां हो जैसे हो स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो, क्योंकि इस टाइम इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए किसी को भी। तो मेरी जो अगली डिश होगी ना वो मैं कढ़ी बनाऊंगी और कढ़ी कैसे हम लोग बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जैसे ही इसमें उबाल आए, जैसे फर्स्ट उबाल आ जाए तुरंत इसमें जरूरत के अनुसार नमक डाल दें, क्योंकि नमक तो थोड़ा सा ही पड़ा था ना, तो थोड़ा नमक इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मसाला, जो भी आपके पास मसाला हो, मैजिक मसाला हो, कोई गरम मसाला हो, बहुत ज़रा सा, देखिए मैंने इतना सा लिया है और बस इसे डाल देंगे। इसमें से ही इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा मसाला ओट्स। तो रेडीमेड मसाला ओट्स खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वही व्हाइट वाला ओट्स लेकर आइए और उसे घर पे बनाइए मसाला ओट्स की तरह। और इसके आगे मैगी फेल है और बच्चे भी बहुत प्यार से खाते हैं, मैंने बच्चों को खिला के ट्राई किया है, बच्चे बड़े मन से इसे खाते हैं और बहुत ही अच्छा बनता है। थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए तो बस रेडी है आपका ओट्स। तो मेरा ओट्स बन करके रेडी है और अभी देखिए कैसा बना है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है कढ़ी बनी की। तो इसके लिए मैंने ना ये बेसन फेंट के रखा है, इसमें कुछ नहीं डाला है मैंने, बस ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ऐसी कंसिस्टेंसी में है, बिल्कुल गाढ़ा। तो इसमें अब जो मिलाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो है थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी जीरा, ऐसे साबुत जीरा ही डाल देंगे, और थोड़ा सा सोडा 1 चुटकी बस। और मैं डाल रही हूँ इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब फेटी हुई दही, इससे ना
जो हमारी बढ़िया है वो बहुत ज़्यादा फ्लफी और बहुत ही ज़्यादा फूली हुई बनेंगी, मतलब अच्छे से फूल जाएंगी। और अब डालेंगे इसमें हल्दी नमक। तो हल्दी नमक के लिए मैं बस इतनी सी हल्दी ले रही हूँ और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, बस हल्का सा इसमें टेस्ट आए, क्योंकि कढ़ी में ये जाएगा तो बहुत मतलब ज़्यादा नमक हो जाएगा, तो नमक उतना ही डालें और इसे अच्छे से यूँ फेंट लें। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हींग। तो पहले मैं ये दिखाती हूँ तड़के में क्या क्या है। प्याज है, लहसुन है कटी हुई, हरी मिर्ची है और ये है हींग। ये हींग आपको अंसारी की दुकान पे मिलेगा, ये डब्बे वाला हींग नहीं है, ये मैंने घोल के रखा हुआ है। प्योर हींग आता है, थोड़ा महंगा आता है, इंडिया में ही मिलेगा, इंडिया से बाहर नहीं मिलेगा, तो इसे मैंने इसे घोल करके रखा हुआ है। और इसी को थोड़ा सा इसमें डालूंगी, थोड़ा कढ़ी में जाएगा, थोड़ा थोड़ा बड़ी में इसको डालूंगी। तो ये बस जरा सा इसमें डाला और इसे मिक्स कर लिया। थोड़े से अनियन भी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। तो देखिए बस इतना सा लाल मिर्ची पाउडर इसमें मैं डालूंगी और डाल करके मिक्स कर दूंगी। उसके बाद बनाऊंगी बढ़िया। ये बिल्कुल तैयार हो गया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके बड़ियों को डालते जाइए। साथ में भरा हुआ पानी का बर्तन जरूर रखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे हाथ में, यहाँ ऑयल मैंने गर्म करके रखा था, मस्टर्ड ऑयल ही मैं इसमें यूज करती हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल अच्छी तरह से गर्म था, बस अब इसमें बढ़िया डाल दी जा रही है। बढ़िया बन करके तैयार है और हींग की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, क्योंकि ये हींग एकदम प्योर होता है, इसकी महक पूरे घर में फैल जाती है जब आप इसे यूज करते हो। रेडी है तो फ्रेंड्स अब बनाएंगे कढ़ी। और कढ़ी के लिए सबसे पहले घोल बना लेंगे बेसन का। तो ये ले लिया है मैंने थोड़ा सा बेसन, बहुत सारा बेसन नहीं लेते हैं इसमें, और थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके इसे इसे डाल देंगे और एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। सबसे पहले इसके लम्स को खत्म करेंगे बेसन के, तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ही मैं डाल दूंगी नमक। तो इसमें थोड़ा नमक तो ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये पानी और पड़ेगा इसमें, इतने पानी में तो होगा नहीं। और इसी में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी, फिर से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, इस तरह के बीटर से मिक्स करें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ मेरा ऑयल गर्म है और इसमें डालूंगी पंचफोरन। पंचफोरन तो आपको पता ही होगा, इसमें मेथी, जीरा, अजवैन और कलौंजी होता है। तो पंचफोरन डाल दिया मैंने और अब इसमें डालूंगी कड़ी पत्ते, जो कि मेरे अपने गार्डन के हैं फ्रेश, आपने तो देखा है मेरा छोटी सा गार्डन। और इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, ये जो लहसुन मैंने कट करके रखा है वो, और प्याज। इन सबको डाल करके अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो ये मेरा प्याज और ये जो हरी मिर्च और लहसुन थी वो बहुत अच्छी तरह से भुन गई है, एकदम कलर आ जाए, बिल्कुल बढ़िया सा भूरा भूरा सा कलर आ जाए, तब तक भुनना है इसको। और अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने घोली हुई हींग रखी थी, उसको डाल दूंगी इसमें। और हींग डालने के बाद से इसमें अब जो मेरी कढ़ी का मटेरियल है उसको डाल देंगे। मैंने डाल दिया है और अब डालेंगे ये दही। दही जो मैंने फेंट के रखी थी ना, उसमें से दो चम्मच बड़ी में डाली थी और बाकी मैंने रख दिया था। तो ये खट्टी दही है जिसकी वजह से कढ़ी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस दही को डाल देंगे और बस धीमी धीमी आंच पे काफी देर तक कढ़ी को पकाते हैं, वक्त लगता है, और तो इसे पकने देंगे और जाके आराम करेंगे।
अगर आपको हल्दी कम लगे तो थोड़ा थोड़ा इसमें हल्दी डाल दें, थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा इसका कलर जो है अच्छा सा आ जाए। कलर बहुत सुंदर आया है, बस कैमरे में उतना अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है, बिलीव मी कलर इसका बहुत अच्छा आया। फ्रेंड्स कढ़ी मेरी देखिए रेडी हो गई है, बहुत ज़्यादा भी गाढ़ी ना करें क्योंकि जब आप बढ़िया डालेंगे तो वो इसका पानी जो है ना सोख कर लेगी। तो ये बढ़िया मैंने डाल दी और ये है मेरी कढ़ी। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मैं डिनर बना रही हूँ, आज तो ब्लॉग की एंडिंग बच्चे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मम्मा की वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बजाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ब्लॉग डेली आ रहा है।